सिनेमा शौकीन्स आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मिडनाइट स्काई के बारे में। इस फिल्म में हमें पृथ्वी ऐसी स्थिति में नजर आती है जब इंसान यहाँ पे नहीं रह सकते और सारे लोग अपने लिए अलग बसेरा ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 2049 का वक्त दिखाया जाता है जब पृथ्वी की हालत एकदम खराब हो चुकी है और यहाँ से लगभग इंसान जा चुके हैं और पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आता है। और अब जितने भी बचे खुचे लोग थे वो भी आज पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे रुके थे वो सारे के सारे वैज्ञानिक थे और इन सब के दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, इसलिए ये पृथ्वी पे रुके थे कि कहीं पृथ्वी की हालत ठीक हो जाए या फिर इसमें किसी किस्म का कोई भी सुधार लाया जा सके। लेकिन आज इन लोगों ने भी हार मान लिया, इसीलिए ये सारे लोग आज पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन तभी हम एक और शख्स को देखते हैं जो कि पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहता और इस आदमी का नाम है ऑगस्टिन लेफ्टहाउस और ये भी एक कमाल के वैज्ञानिक हैं। और अभी इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है क्योंकि इन्हें कैंसर है और इसलिए ऑगस्टिन पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहते। वो अपना अंतिम समय यही बिताना चाहते हैं और ऑगस्टिन को लगता है कि वो अपनी जिंदगी अकेले बिता सकते हैं क्योंकि वो अपना इलाज खुद करते हैं और ये पहले बहुत अमीर थे इसलिए इनके पास चीजों की कमी नहीं है। इसीलिए ऑगस्टिन ने निश्चय किया है कि वो पृथ्वी पर ही रहेंगे और अपनी अंतिम सांस यहीं पे लेंगे। इसीलिए ऑगस्टिन यहाँ पे रह जाते हैं और बाकी सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और ऑगस्टिन अपनी जिंदगी ऐसे ही अकेले बिताते हैं और बीच बीच में उनकी जिंदगी की कुछ झलकियाँ हमें दिखाई जाती हैं और हमें देखने को मिलता है कि जब ऑगस्टिन जवान थे तो उनके अंदर कितना जोश था और वो इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे क्योंकि उन्हें शायद कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि पृथ्वी की हालत एक दिन बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है और हालत इतनी खराब हो जाएगी कि इंसान यहाँ पे रह भी नहीं पाएंगे। इसीलिए वो दिन रात इसी चीज के खोज में लगे रहते थे कि पृथ्वी के अलावा दूसरा कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। और कुछ वक्त के बाद उन्हें वो जगह मिल भी जाती है और फिर ऑगस्टिन एक बड़ा सा इवेंट करते हैं और वहाँ पे इस चीज का खुलासा करते हैं कि कई वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने उस प्लैनेट को ढूंढ निकाला है जहाँ पे इंसान रह सकते हैं। और इस इवेंट में वो उस प्लैनेट के कण कण के बारे में बात करते हैं ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि इन्होंने उस प्लैनेट को ढूंढ निकाला है और उन्होंने उस प्लैनेट के हर एक चीज पे शोध की है। और इसी इवेंट के दौरान ऑगस्टिन की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है जीन और जीन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए ऑगस्टिन को उनसे पहली नजर का पहला प्यार हो गया और वक्त के साथ साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई और एक वक्त के बाद दोनों ने शादी की और शादी के थोड़े समय के बाद जीन प्रेग्नेंट हो गई। और इसी बीच जीन को एहसास हुआ कि ऑगस्टिन के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है उसका रिसर्च। और ऑगस्टिन दिन भर अपने काम में लगा रहता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि उसकी एक वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। और इसीलिए धीरे धीरे जीन को लगता है कि वो ऑगस्टिन से अलग होती जा रही है और इसी तरह धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। और एक वक्त के बाद जीन निश्चय करती है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यही उन दोनों के लिए अच्छा है, इसीलिए वो ऑगस्टिन को छोड़ के चली जाती है। फिर कहानी आती है वर्तमान समय में और हम ऑगस्टिन को देखते हैं और अभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि अगले 11 घंटे में उससे एक स्पेसशिप कांटेक्ट करने वाला है। और फिर हम उस अंतरिक्ष यान को देखते हैं जिन्होंने ऑगस्टिन से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और इस यान में हम 5 लोगों को देखते हैं और ये सारे लोग K23 प्लैनेट से आ रहे हैं जिस प्लैनेट को ऑगस्टिन ने खोजा था। और आज से 6 साल पहले ऑगस्टिन की कंपनी ने इन सारे लोगों को K23 प्लैनेट पे भेजा था ताकि ये लोग जाए और वहाँ पे रिसर्च करे कि क्या वहाँ पे जिंदगी सच में पॉसिबल है जैसा कि ऑगस्टिन ने रिसर्च किया है। और थोड़े समय पहले इन सारे लोगों का रिसर्च खत्म हो गया है और अब ये लोग पृथ्वी की तरफ वापसी कर रहे हैं। लेकिन इन सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि पृथ्वी के हालात अब जरूरत से ज्यादा खराब हो चुके हैं और वहाँ पे जिंदगी बिताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए अब ये ऑगस्टिन की जिम्मेवारी है कि वो इन लोगों को इस बारे में बताएं और इन्हें पृथ्वी पे आने से रोके। लेकिन अभी ऑगस्टिन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने लगी है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी ऑगस्टिन उस यान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि उस यान पे आखिर कौन कौन है और फाइनली उन्हें सारी चीजें याद आ जाती हैं कि इस यान को उनकी ही कंपनी ने भेजा था। और अब ऑगस्टिन तैयार हैं उस यान के लोगों की मदद करने के लिए। और फिर से हम उस यान को देखते हैं, उसके बाद हमें 5 लोगों के बारे में पता चलता है। इस यान की सबसे मुख्य सदस्य हैं डॉक्टर आयरिस सलिवान जिन्हें सब सली कह के बुलाते हैं और फिर है कमांडर एडियोल और इनके अलावा 3 और क्रूमेट हैं यहाँ पे। और ये सारे लोग पिछले बहुत वक्त से पृथ्वी पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और आज संयोगवश उनका कांटेक्ट हो पाया है डॉक्टर ऑगस्टिन से। लेकिन इसे पूरी तरीके से संपर्क नहीं कह सकते क्योंकि इनका छोटा सा संदेश उनके पास गया है। और फिर हम देखते हैं ऑगस्टिन को जो कि खाना खा रहा है क्योंकि ऑगस्टिन को पता है कि वो 11 घंटे के बाद ही उनसे संपर्क कर पाएगा,
तभी ऑगस्टिन के किचन में आग लग जाती है और उसके बाद भागता हुआ ऑगस्टिन पहुंचता है अपने किचन में और जब वो वहां की आग बुझा देता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी सी बच्ची पे और इस बच्ची को देखने के बाद वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता है कि आखिर ये बच्ची यहां पे आई कैसे। फिर ऑगस्टिन उससे बात करने की कोशिश करता है कि वो पता लगा सके कि आखिर वो बच्ची यहां तक आई कैसे। तब उसे पता चलता है कि ये बच्ची बोल नहीं सकती और ये जानने के बाद ऑगस्टिन को फिर से समझ में नहीं आता कि आखिर अब वो इस लड़की के बारे में कैसे पता करेगा कि ये कौन है और कहां से आई है। फिर ऑगस्टिन देखता है कि ये लड़की ड्राइंग की मदद से कुछ कहना चाहती है और तब फाइनली उसे उसका नाम पता चलता है और इस लड़की का नाम होता है आयरिश। तभी ऑगस्टिन को याद आता है कि 11 घंटे का समय बीत चुका है और अब समय आ चुका है कि वो उस यान से संपर्क करे, लेकिन जब वो संपर्क करने जाता है तो उसे पता चलता है कि यहां तो सिग्नल ही नहीं है और इसी समस्या की वजह से वो लोग इतने दिनों से इसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ऑगस्टिन अपने एंटीना को ठीक करने की कोशिश करता है कि शायद इस समस्या का समाधान मिल जाए, लेकिन इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होता और ऑगस्टिन सोचता है कि अब उनसे संपर्क करने के लिए उसे कोई नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और वो वापस आके इस बारे में सोचने लगता है और इसी बीच हम देखते हैं कि आयरिस और इसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसी बीच उसे अपना इलाज भी करना है और इलाज करने के बाद ऑगस्टिन फिर से काम पे लग जाता है और तब इसे एक नए जगह के बारे में पता चलता है जहां का सिग्नल अच्छा है और अगर ऑगस्टिन वहां तक पहुंच गया तो आसानी के साथ उस यान पे कांटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए ऑगस्टिन निश्चय करता है कि वो कल सुबह यहां से निकलेगा और वो अपने साथ आयरिश को भी लेकर के जाएगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और उसे पता नहीं कि वो कब तक वापस लौटेगा। इसीलिए वो गर्म कपड़े, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ सुरक्षा के सारे सामान लेता है और यहाँ से निकल पड़ता है और थोड़े समय तक सफर करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो वो रास्ते में एक जगह पे रुकते हैं, लेकिन उस जगह पे थोड़ा वक्त बिताने के बाद नीचे की बर्फ की परत फट जाती है और उसके बाद ये दोनों लोग डूबने लगते हैं। लेकिन ऑगस्टिन आयरिश को लेकर के सही वक्त पे वहां से बाहर निकल जाता है इससे पहले कि वो जगह डूब जाए, लेकिन ये दोनों तो बाहर आ जाते हैं लेकिन इनका वाहन और सारा जरूरी सामान वहाँ पे डूब जाता है और फिर इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि ये बाकी का सफर पैदल तय करें, इसलिए ये लोग पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑगस्टिन बहुत ही ज्यादा बीमार है इसलिए वो ज्यादा नहीं चल सकता, इसीलिए थोड़ा समय चलने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और इसी बीच यहाँ का तूफान तेज हो जाता है और चारों तरफ ठंडी और तेज हवाएं चलने लगती है, इसीलिए आसपास भी देखना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ उड़ रही होती है। और इसी बीच ऑगस्टिन से आयरिश का हाथ छूट जाता है और आयरिश यहाँ से गायब हो जाती है और जब ऑगस्टिन को आयरिश नहीं मिलती तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और फिर बहुत देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली आयरिश मिल जाती है और जैसे ही आयरिश मिलती है उसके बाद ये दोनों लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं और थोड़े समय के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं अंतरिक्ष यान को जहां पे सारे लोगों को इस बात का आभास होता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं और वो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर ये सारे लोग मिलके एक अलग रास्ते को चुनने का निश्चय करते हैं, लेकिन इस रास्ते के बारे में किसी को कोई भी इल्म नहीं, इसलिए इन्हें पता नहीं कि अगर वो इस रास्ते को चुनेंगे तो रास्ते के बीच उनके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी वो इस रास्ते को चुनते हैं और इसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तभी हम फिर से ऑगस्टिन को देखते हैं और ऑगस्टिन अभी सियान से कांटेक्ट कर पाता है और सली और ऑगस्टिन के बीच बातें होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही ऑगस्टिन पृथ्वी के कंडीशन के बारे में कुछ बताने वाला होता है तभी इनकी यान बहुत सारे पत्थरों से टकरा जाती है और उसके बाद इनका एक बार फिर से कनेक्शन टूट जाता है और इस बात से ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सली निश्चय करती है कि अब वो इस चीज को ठीक करेगी और पृथ्वी पे फिर से कांटेक्ट करेगी। इसीलिए सली और दो लोगों के साथ बाहर निकलती है इस चीज को ठीक करने के लिए, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है इसीलिए यहाँ पे हर जगह चट्टान है, इसीलिए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। फिर भी ये लोग बाहर जाते हैं और अपने कनेक्शन को ठीक करने लगते हैं और थोड़े समय के बाद वो इस चीज को ठीक भी कर देते हैं। तभी अचानक बहुत सारे चट्टान आकर के फिर से यान से टकराने लगते हैं और इसी बीच एक चट्टान से इनकी एक क्रूमेट टकरा जाती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है और थोड़े वक्त के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे सारे लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद सली वापस कांटेक्ट करती है ऑगस्टिन को और जैसे ही ऑगस्टिन बात करना शुरू करता है वो सली को सारी बातें बताता है कि पृथ्वी अब खतरे से खाली नहीं है और यहाँ से सारे इंसान जा चुके हैं, इसीलिए तुम लोगों को वापस K23 प्लेनेट पे जाना चाहिए और वहाँ पे इंसान जिंदा रह सकते हैं, इस बात की पुष्टि तुम लोगों ने भी की है। और जब ऑगस्टिन को पता लगता है कि ये लोग भटक चुके हैं तब वो इन्हें रास्ता भी बताते हैं कि ये लोग कैसे K23 तक पहुँचेंगे
और ये सारी बातें जानने के बाद सली एक बार फिर से परेशान हो जाती है और ये सारी बातें अपने क्रूमेट को बताती है। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है कि इन्हें फिर से वापस K23 पे जाना है, तब इस बात से यान के दो लोग राजी नहीं होते और कहते हैं कि उन्हें तो वापस पृथ्वी पर ही जाना है, क्योंकि इनका जो मेन पायलट है वो पृथ्वी पे इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी वहाँ पे है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी अभी तक उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन ऑगस्टिन उसे बार बार समझाता है कि पृथ्वी के सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं या तो मर चुके हैं, और इस बात को सुनने के बाद वो पायलट कहता है कि अगर मेरी पत्नी मर भी चुकी है तब भी मैं उस चीज की पुष्टि के लिए पृथ्वी पर आऊंगा। और फिर वो एक छोटा सा यान लेके पृथ्वी की तरफ निकल पड़ता है और उसके बाद सली फिर से बात करती है ऑगस्टिन से और कहती है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण है कि वो ऑगस्टिन से बात कर रही है, क्योंकि वो ऑगस्टिन को हमेशा से अपना आइडल मानती रही है और आज अगर वो ये काम कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑगस्टिन के कारण। वो इसी से प्रभावित होकर एक एस्ट्रोनॉट बनी थी। और फिर बातों ही बातों में सली अपने माँ के बारे में बताती है ऑगस्टिन को और कहती है कि मेरी माँ का नाम था जीन और वो भी आपको बहुत पसंद करती थी और वो हमेशा ही आपके बारे में बातें किया करती थी। और ये सब सुनने के बाद ऑगस्टिन आयरिश से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और तब आयरिश अपना नाम बताती है और उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारी माँ का पूरा नाम क्या है, और जब वो अपनी माँ का पूरा नाम बताती है तब ऑगस्टिन समझ जाता है कि आयरिश उसी की बेटी है। और आयरिश नाम सुनने के बाद उसे वो छोटी बच्ची याद आती है और फिर ऑगस्टिन भागता हुआ उस बच्ची के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई बच्ची है ही नहीं। और फिर हमें पता चलता है कि आयरिश नाम की कोई बच्ची कभी यहाँ थी ही नहीं, ये सिर्फ ऑगस्टिन की कल्पना थी। और इस चीज को देखने के बाद हमें एक और बात पता चलती है कि वो लड़की इसके जीने का कारण थी, क्योंकि ऑगस्टिन सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए जिंदा था और वो उसी क्षण का इंतजार कर रहा था जब वो इस यान को वापस K23 पे भेज सके ताकि उसकी बेटी हमेशा के लिए सलामत हो जाए। लेकिन जब इसकी बीमारियां बढ़ने लगी और इसके दिमाग से चीजें खत्म होने लगी तब इसी के दिमाग ने इसकी बेटी की नाम की एक बच्ची को उत्पन्न किया ताकि वो तब तक इसके सहारे जिंदा रह सके जब तक वो आयरिश को वापस K23 पे ना भेज दे। और इसीलिए ऑगस्टिन ने इस यान के बारे में इतनी सारी जानकारियां रखी थी। लेकिन यहाँ पे ऑगस्टिन आयरिश को इस बारे में नहीं बताता कि वो उसका पिता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बता दिया तो कहीं आयरिश वापस पृथ्वी पे ना आ जाए उसे लेने के लिए। लेकिन ऑगस्टिन यहाँ पे आयरिश से थोड़ी देर बात करना चाहता है, इसीलिए वो आयरिश से पूछता है कि K23 देखने में कैसा है। फिर आयरिश K23 के कण कण को डिस्क्राइब करती है और आयरिश की आवाज में K23 के बारे में सुन के ऑगस्टिन बहुत खुश होता है और फिर वो उन्हें जाने के लिए कहता है। और आयरिश अपने पार्टनर के साथ K23 के लिए निकल पड़ती है और उसके साथ साथ वो सारे यान को ये खबर कर देती है कि K23 पे जीवन पॉसिबल है, कि जितने भी लोग पृथ्वी छोड़ के नए प्लेनेट की खोज में निकले हैं वो सारे K23 पे आ जाएं। और उसके बाद हम फिर से ऑगस्टिन को देखते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे खड़ा है और वो एकदम बेखौफ लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है और अगर अब वो मर भी जाए तो उसे इस बात का कोई गम नहीं। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।